हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉप मस्ट। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों बड़े पर्दे पर हर साल कई फिल्में आती हैं और कई हिट भी होती हैं और कुछ फिल्में दर्शकों पर जादू नहीं चला पाती, लेकिन बात करें थ्री इडियट्स की तो उसे लोग आज भी देखना पसंद करते हैं। बता दें कि थ्री इडियट फिल्म में सभी किरदारों ने जबरदस्त भूमिका निभाई थी, लेकिन फिल्म में राजू रस्तोगी की माँ बनी अमरदीप जी की लोकप्रियता फिल्म के बाद एक अलग ही स्तर पर पहुँच गई। फिल्म का ये सीन आज भी लोगों को हंसाता है जब आमिर खान और आर माधवन शर्मन जोशी के यहाँ डिनर पर पहुँचते हैं। इस सीन में राजू रस्तोगी की माँ पनीर और सब्जियों की कीमत बताते हुए खूब हंसी। दोस्तों आज आप जानेंगे अमरदीप झा की बेटी के बारे में, जो कि बेहद ग्लैमरस और स्टाइलिश है। पहले हम बताएंगे अमरदीप झा है कौन। अमरदीप झा का जन्म 14 जून 1960 को बिहार में हुआ था। वे भारतीय फिल्म अभिनेत्री और टेलीविजन हस्ती भी है। बता दें कि अमरदीप झा ने वैवाहिक जीवन में बहुत ही पहले अपने पति को खो दिया। उसके बाद उन्होंने अकेले ही अपनी बेटी की देखभाल की, जो कि अब काफी बड़ी हो चुकी है। अगर बात करें अमरदीप झा की करियर की, तो उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1997 में सीरियल अमानत से की थी, जिसमें उन्होंने अमित की मां की भूमिका निभाई थी। अगर उनके फिल्मी करियर की बात करें तो उन्होंने 1998 में आई फिल्म दुश्मन में जया के रूप में अभिनय किया था। इसके अलावा उन्होंने कई सारे टीवी शोज और फिल्मों में भी काम किया है। बात करते हैं उनकी बेटी की। अमरदीप झा की एक खूबसूरत बेटी है जिसका नाम श्रिया झा है। श्रिया झा भी एक पॉपुलर टीवी एक्ट्रेस है और साउथ की कई फिल्मों में काम कर चुकी है। श्रिया झा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती है और अक्सर यहाँ पर अपनी गॉर्जियस तस्वीरों को साझा करती है। हाल ही में उन्होंने कई फोटो शेयर भी की है जिसमें वो काफी प्यारी लग रही हैं। श्रिया की फोटो और वीडियोस को देखकर उनके फैंस लगातार कमेंट्स कर रहे हैं। श्रिया झा को इंस्टाग्राम में हजारों की संख्या में लोग फॉलो करते हैं। तो दोस्तों आपने जाना अमरदीप झा और उनकी बेटी के बारे में। तो दोस्तों आपको फिल्म थ्री इडियट में किसका रोल सबसे ज्यादा पसंद आया कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। स्टे ट्यून्ड, गुड बाय।